अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, सिमिलरली द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स इज थ्री डायरेक्शनल. अब हम एक्स डायरेक्शन में स्टडी कर लिए, अब हम कौन से डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, थ्री डायरेक्शनल स्टडी करेंगे पार्टीशन फंक्शन को ट्रांसलेशनल फंक्शन में. हम थ्री डायरेक्शनल स्टडी करेंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में. राइट एंगल टू इच अदर इज गिवन बाय, राइट एंगल टू इच अदर गिवन बाय एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी एक्स इंटू एफ टी वाई इंटू एफ टी जेड. अगेन फार्मूला में यहाँ पे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, चूंकि राइट एंगल टू इच अदर इज गिवन बाय, इच अदर गिवन बाय की वैल्यू क्या है कि सभी की एक डायरेक्शन का जब एक्स है तो दूसरे डायरेक्शन की वैल्यू भी सेम होगी, तीसरे की भी सेम होगी वैल्यू. तो यहाँ पे टू पाई एम के टी हाफ अपॉन एच इंटू, यहाँ फिर से हम लिखेंगे वाई डायरेक्शन में टू पाई एम के टी पावर में हाफ जाएगा एच इंटू, सॉरी यहाँ इंटू करके एल भी लगेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप जेड स्टेप के लिए यहाँ हम बना देते हैं नीचे टू एम टू पाई एम के टी हाफ इंटू एल अपॉन एच. ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, टू पाई कॉमन निकालेंगे टू पाई एम के टी. आप पूरे पावर को पावर का फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे तो थ्री बाई टू आएगा. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी क्यों भी लगाएंगे, क्योंकि टोटल तीनों एल को अगर हम एस थ्री, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, तीनों एल को अगर हम ऐड करेंगे तो एल थ्री होगा जो वी के बराबर होता है. और इसी तरीके से एच इंटू एच इंटू एच करेंगे तो एच क्यूब होगा, इसलिए इसकी वैल्यू को पुट अप किए हैं. और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 54 देंगे अकॉर्डिंग टू बुक, और आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं. इक्वेशन 54 में बी रिटर्न एस, और कैसे लिख सकते हैं, एफ टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन कैप 3. वेयर इज कैप वैल्यू, कैप की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम के टी हाफ. ये जो है कैप की वैल्यू होगी एंड इज नोन एज थर्मल बी डी ब्रॉगली वेवलेन. और इसको हम क्या कहते हैं, नोन एज थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. इन दिस केस ऑफ परफेक्ट मोनोटॉमिक गैस द मोलर पार्टीशन फंक्शन, इन दिस केस मोनोएटॉमिक गैस पर क्या लगाएंगे हम, पार्टीशन फंक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेटिकल मेथड से द मोलर पार्टीशन फंक्शन, द मोलर पार्टीशन फंक्शन, मोलर पार्टीशन फंक्शंस में हम रिप्रेजेंट करेंगे z इज इक्वल्स टू f टू द पावर कैपिटल n अपॉन n फैक्टोरेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n फैक्टोरेशन होल ब्रैकेट इन 2 पाई m k t ब्रैकेट क्लोज 3 बाई 2 v अपॉन h क्यूब ब्रैकेट होल ब्रैकेट क्लोज टू द पावर होल पावर n इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट e अपॉन कैपिटल n टू द पावर कैपिटल n. अब यहाँ होल ब्रैकेट में 2 पाई एम के टी 3 बाई 2 अपॉन h क्यूब इंटू वी होल पावर n. n फैक्टोरेशन को हम स्ट्रिंगलिंग थ्योरम पढ़े हैं,
उसके अकॉर्डिंग एन अपॉन ई पूरे के पावर में एन लगाएंगे। ये स्ट्रिंगलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग, कौन सा थ्योरम? स्ट्रिंगलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको और करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 2 पाई एम के टी 3/2 वी ई अपॉन एन एच 3 पूरे के पावर में n। अब बोथ साइड हम लॉग लेंगे तो लॉग z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n लॉग 2 पाई एम के टी 3/2 वी ई इंटू में अपॉन एन एच 3। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 55 अकॉर्डिंग टू बुक एंड इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।